हेलो क्लास KG 2 बच्चों, आज हम करेंगे आपकी इंग्लिश की थर्ड स्टेप बुक्स है जो राइटिंग बुक, उससे हम लोग करेंगे ओ साउंड वर्ड्स. ओके, सो टेक आउट दिस बुक एंड ओपन पेज नंबर 17. ओके बच्चों, निकाल लिया आपने बुक और पेंसिल भी निकालिए. टेक आउट योर पेंसिल. हम लोग फिर आज करेंगे ओ साउंड वर्ड्स. अभी तक हम लोगों ने ए ई आई साउंड्स वर्ड्स पढ़े थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओ साउंड वर्ड्स. बच्चों, आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें भी हम लोग ने ओ साउंड वर्ड्स पढ़े थे ना, और इसमें हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज हम लोग ओ साउंड वर्ड्स कर लेते हैं. ओके, सो पहले आप यहाँ पे डेट मेंशन करिए, 25th of August 2020. चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. ओ की साउंड बच्चों ओ ही होती है. ओ की साउंड क्या होती है? ओ. लेकिन हम इसको जब बोलते हैं ना तो ओ ओ करके निकलता है, सी ओ टी कॉर ओ, है ना. ओ की साउंड क्या होती है? ओ. लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते वक्त ओ ऐसे निकलता है, सी ओ टी कॉट, सी ओ टी कॉट, डी ओ टी डॉट. तो चलिए हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर डी. और बच्चों हम लोग इसको जब तक पूरा मिला मिला कर अच्छे से लिखेंगे, डी ओ टी डॉट, एच ओ टी हॉट, एच फिर ओ ऐसे बनाइए, टी एच ओ टी हॉट, एन बनाने के लिए एन ओ टी एन ओ टी नॉट, पी ओ टी पॉट, पी आपको फोर लाइन में बनानी है, पी ओ टी पॉट, जी ओ टी गॉट, जी ओ टी गॉट, एंड नेक्स्ट वर्ड एल ओ टी लॉट, एल ओ टी लॉट. ओ देखिए ओ की तरह बोल रहे ना, एच ओ जी हॉग, एच ओ जी हॉग, जे ओ जी जॉग, जे ओ जी जॉग, डी ओ जी डॉग, डी ओ जी डॉग. बच्चों ये एक तरीके से राइमिंग वर्ड्स भी है ना, राइमिंग वर्ड्स हॉग जॉग डॉग. एल ओ जी सब में देखिए लास्ट में ओ जी ओ जी, तो ये एक राइमिंग वर्ड्स भी हो गया. एल ओ जी लॉग, एल ओ जी लॉग, एफ ओ जी फॉग, आपको आपको फोर लाइन में बनाना है, एफ ओ जी फॉग, सी ओ जी कॉग, सी सी ओ जी कॉग, आर ओ जी रॉग, आर ओ जी रॉग. ओके बच्चों, तो आप इसे लिखिए और साथ साथ रीड भी करिए. ओके.